यहाँ अरविंद जी, सवाल ये भी है, जिस तरह से आपने चुनाव में अभी टिकटों की बात की है, आपने करीबन 6 कांग्रेस के और करीबन 7 बीजेपी के रिजेक्टेड उम्मीदवारों को टिकट दिया जिन्हें बीजेपी और कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दिया था, क्यों? अभी वही कर रहे जो आप पार्टियां करते हैं, रिजेक्ट किया ही नहीं कभी, उनकी तरफ से साफ कर दिया गया था, उन्हें बाहर कर दिया गया था, पिछली बार भी बाहर उनको टिकट नहीं मिला था, वो पिछली बार भी मांग चुके थे, इस बारे में पूरे के पूरे अखबारों में भी छप चुका है। किस किस का टिकट कट चुका था जो कांग्रेस ने मना कर दिया था कि हमें टिकट, बहुत सारे नाम है उसके भी, मैं आपको पूरी कॉपी दूंगा, आप उसे आराम से स्टडी करें, ताकि उस पर क्या कहेंगे आप। पहली चीज तो ये कहना है गलत है कि उनको रिजेक्ट कर दिया गया था और वो रिजेक्टेड कैंडिडेट से धरा गए, सब बेकार की बातें हैं। दूसरा ये बात सही है कि कांग्रेस छोड़ के कुछ लोग आए हैं, बीजेपी छोड़ के कुछ लोग आए हैं, जैसे मैंने कहा कि ये पार्टियां माफिया बन चुकी हैं, तो मतलब जो अच्छे लोग थे वो आपके पास आ गए, मैं बता रहा हूँ ना जी, तो ये पार्टियों को माफिया चला रहा है आज। इन पार्टियों में कई अच्छे लोग भी हैं जो अंदर घुटन महसूस कर रहे थे, काफी समय से घुटन महसूस कर रहे थे, वो छोड़ के हमारी पार्टी में आ रहे हैं। जब वो टिकट लेते हैं, हम एक एक कैंडिडेट की जांच करा रहे हैं और तीन चीजों की गारंटी दे रहे हैं लोगों को कि हमारे 70 के 70 कैंडिडेट्स ईमानदार हैं, चरित्रवान हैं और किसी कैंडिडेट के खिलाफ कोई भी संगीन अपराध का मुकदमा नहीं चल रहा है। तो ये चीजों के लिए हम हर कैंडिडेट की खूब जांच कराते हैं, लेकिन जब दूसरी, मैं आता हूँ आज ही शादरा में ही गलती हुई है, आपने क्या कैंडिडेट बदला है, मैं कह तो रहा हूँ, आइए तो बोलने तो दीजिए। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर हमने टिकट दिया, इन तीन चीजों की हम गारंटी दे रहे हैं, लेकिन अगर हमसे कोई गलती हो जाए, किसी के बारे में हमसे कुछ छूट जाए, आप हमें सबूत ला के दे देना, चुनाव के एक दिन पहले भी सबूत दोगे, हम उसकी टिकट कैंसिल कर देंगे, सीट खाली छोड़ देंगे, गलत आदमी को अंदर नहीं जाने देंगे। अच्छा, इसका एक उदाहरण शादरा है, शादरा के अलावा एक और सीट है, उत्तम नगर नहीं है, दो सीटें हैं जिसके ऊपर हमने टिकट कैंसिल किया, शादरा का टिकट कैंसिल किया और एक और सीट कैंसिल किया हम लोगों ने, जहां पे हमारे पास जैसे ही सबूत आए हम हर चीज की जांच कराते हैं जी। आप टीवी वाले कुछ भी चला दो उसके बेसिस पे हम नहीं करते, जो भी चलाते आप जिस जनता के लिए लड़ रहे हैं उस जनता की आवाज है, जरूरी नहीं है मीडिया जनता की आवाज है, नहीं लेकिन ये भी जरूरी नहीं है कि ना हो। अरविंद जी, ये एक बड़ी लंबी बहस है मीडिया के ऊपर, इस पर भी किसी दिन आपसे बात करेंगे, लेकिन सवाल ये है, मैं अपना जवाब जी बिल्कुल बिल्कुल। तो जो सबूत हमारे पास आते हैं उन सबूतों की हम जांच करते हैं, और स्पेशली जब भ्रष्टाचार का कोई सबूत लगता है किसी के ऊपर, किसी भी कैंडिडेट की, उसकी जांच मैं पर्सनली करता हूँ। मैं इनकम टैक्स में था और ये सारे डॉक्यूमेंट्स पढ़ना और सबूत वगैरह देखना अच्छे से आता है। तो दो कैंडिडेट्स को हमने कैंसिल किया है मीडिया के, कहे अगर आप लोग उठाते और हम कैंसिल करते तो आप कह सकते थे मीडिया के दबाव में किया, आपको तो पता ही नहीं था उस सबूत का, हमने अपनी मर्जी से किया क्योंकि हम साफ रहना चाहते हैं। तो ईमानदार लोगों को टिकट दे रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि अंदर ईमानदार लोग जाएंगे तो ईमानदार सरकार। आप बार बार कहते हैं आम आदमी की पार्टी है, आम लोगों के लिए आम आदमी की टोपी भी लगाते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोगों को टिकट दिया गया जो बहुत पैसे वाले, कुछ लोग हैं हमने, तो ये क्या जीतने के लिए मतलब कहीं ना कहीं तमाम तैयारियां कि हाँ नहीं जरूरी चीजों की, जरूरी नहीं है भाई। अगर तो हम पैसे वालों को टिकट इसलिए देते कि उनसे पैसा लेते, एक भी कैंडिडेट से हमने डोनेशन नहीं लिया, या तो कोई ये होता भाई वो डोनेशन देके टिकट ले गया तब तो आरोप लगा से, एक भी कैंडिडेट से हमने एक पैसे का डोनेशन नहीं लिया। तो हमारा ये कहना है कि कम से कम 70-80% 90% लोग ऐसे हैं जिनके घर का खर्चा नहीं चलता, और वो पार्टी उन लोगों को पैसा देके, चंदा देके और उनको चुनाव लड़ा रही है। कुछ लोग ऐसे जरूर हैं जिनके पास अपना पैसा है, जो अपने पैसे से चुनाव लड़ सकते हैं। बिल्कुल, आप इन चुनावों की बात करें या तमाम चीजों की बात करें, अगर जैसे आपने कहा कि हम लास्ट डेट तक अगर कोई बताता है तो हम उसका चुनाव कैंसिल कर देंगे, अगर कोई जीत के चला जाता है, मान लेते हैं हाँ हो सकता है, फिर क्या करें? मैं वही आ रहा हूँ, तीन स्टेजेस हैं जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं। पहली चीज तो मेरे से ये पूछते हैं लोग, अरविंद जी आपकी क्या गारंटी है, आपके पहले बहुत लोग आए थे, जैसे ही सत्ता मिली भ्रष्ट हो गए, कल को आपको सत्ता मिलेगी आप भी भ्रष्ट हो जाओगे। बिल्कुल, मेरा ये कहना है, मैं इनकम टैक्स में कमिश्नर की नौकरी करता था, इनकम टैक्स में एक इंस्पेक्टर साल में कम से कम 1 करोड़ रुपए की रिश्वत कमा लेता है। ये हम सब इंस्पेक्टर पर लागू नहीं कर सकते ना अरविंद जी, जो भी भ्रष्ट होता है, जो भ्रष्ट इंस्पेक्टर होता है, मैं तो कमिश्नर था, अगर चाहता तो करोड़ों रुपए कमा सकता था, अगर पैसा ही कमाना होता तो मेरी कमिश्नर की नौकरी बुरी नहीं थी, वो नौकरी छोड़ के झक मारने की क्या जरूरत थी, रामलीला मैदान में झक मारी, जंतर मंतर पे झक मारी, अभी 15 दिन का अनशन किया था, तो पैसा कमाने तो नहीं आए, देश बदलने के लिए आए, कोई भी सत्ता का लालची आदमी 15-15 दिन तक अनशन नहीं करता है। दूसरा प्रश्न उठता है, ये 70 आदमी खड़े कर रहे हो, इनकी क्या गारंटी है? वो मैंने अभी जवाब दिया कि एक एक की जांच करा रहे हैं हम लोग, फिर भी अगर हमसे कोई छूट जाएगा, कोई गलती होगी, हम उसकी टिकट कैंसिल कर देंगे।
तीसरी चीज कि जी जीतने के बाद हो सकता है इनको जैसे आज तक तो ये जितने कैंडिडेट हैं इनको सत्ता थी नहीं जी, जीतने के बाद इनको सत्ता मिलेगी, ये भ्रष्ट होगा, इसकी क्या गारंटी है? 29 दिसंबर को अन्ना वाला लोकपाल बिल पास किया जाएगा रामलीला मैदान के अंदर, दिल्ली विधानसभा का स्पेशल सत्र बुलाएंगे 15 रामलीला मैदान में बुलाएंगे, मतलब आप संसद की गरीब, संसद का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा? अरे संसद तो ये देश है भाई, संसद सबसे बड़ा। तो फिर आप लोगों ने जो आंदोलन किया था वो क्यों किया था? आप संसद में लोकपाल बनाना चाहते हो ना, तो 15 दिसंबर तक दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बन जाएगी और 29 दिसंबर को रामलीला मैदान के अंदर दिल्ली विधानसभा का स्पेशल सत्र बुलाएंगे और सारी दिल्ली को बुलाएंगे, सारी दिल्ली के सामने वो कानून पास किया जाएगा। उसके बाद अगर हमारा भी कोई कैंडिडेट, हमारा कोई एमएलए या चाहे बीजेपी या कांग्रेस का कोई भी भ्रष्टाचार करेगा, 6 महीने के अंदर उसको जेल हो जाएगी, उसकी संपत्ति। लेकिन जेल सरकार नहीं देती, कानून कोर्ट देती है। तो आप कोर्ट में हो तो आप मुकदमा दर्ज कर सकते हैं, किसी को जेल थोड़ी भेज सकते हैं। नहीं, तो आप लोकपाल क्या है? लोकपाल बेसिकली इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटिव प्रोसेस खड़ा करेगा, मतलब आप सबके खिलाफ जितने अपराधी हैं संसद में, आप कहते हैं आधे से ज्यादा है, सबके खिलाफ लोकपाल लगाएंगे, 6 महीने के लिए कोर्ट चलेगा, 6 महीने बाद उन्हें जेल हो जाएगी। बिल्कुल। तो फिर सरकार क्या करेगी? आप सिर्फ जांच में और इसी में लगे रहेंगे? हम थोड़ी करेंगे, वो तो इंस्टीट्यूशन बनाएंगे ना। मान लो कल को मैं कहता सीएजी बनाएंगे तो आप कहते ये सरकार क्या करेगी? ऑडिट ही करती रहेगी, वो तो सीएजी ऑडिट करता है। मतलब आप तमाम, लेकिन आप तो कह रहे हैं ना कि सवाल तमाम लोगों के खिलाफ जांच चलाएंगे, कोर्ट का कोई औचित्य ही नहीं खत्म कर दिया आपने। नहीं, एक मिनट, इंस्टीट्यूशन बनेगा, लोकपाल बनेगा, लोकपाल जांच करेगा, जैसे सीबीआई जांच करेगा। आप लोकपाल ये मान लीजिए कि सीबीआई को हमने इंडिपेंडेंट कर, जाएगा तो कोर्ट में ही ना। उसके बाद कोर्ट में जाएगा, कोर्ट के अंदर स्पेशल व्यवस्था की जाएगी, भाई आज कोर्ट के अंदर 10-10 साल तक मुकदमे चलते रहते हैं, तो ये सारे मुकदमों के लिए स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे ताकि 6 महीने के अंदर मंत्रियों संतरियों बड़े बड़े लोगों के लिए 6 महीने के अंदर जांच और ट्रायल पूरा हो, बाकियों के लिए 1.5 से 2 साल के अंदर। अरविंद जी, यहाँ प्रैक्टिकल बात नजर नहीं आती, आप कहती है फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे, क्या ये पॉसिबल है? आपकी सरकार बनती ही हम तमाम भ्रष्टाचारियों पर आरोप दर्ज करेंगे, उनके खिलाफ मुकदमे चलाएंगे, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे और सजा दे देंगे 6 महीने। इसमें इम्प्रैक्टिकल क्या नजर आता है? इतनी जल्दी आप कोर्ट भी बना देंगे, पूरा सिस्टम बदल देंगे। आप पुलिस की भी इस तरह की बातें आपने कई बार इंटरव्यू में कही है कि हम एक नई पुलिस व्यवस्था खड़ी करेंगे, दिल्ली में पुलिस की चीज नहीं है। ये तो डिक्टेटरशिप वाली बात नजर नहीं आती है कि पुलिस भी मेरी, कोर्ट भी मेरा, जांच एजेंसी भी मेरी? वो तो होता ही है राज्य सरकार के अंडर में, राज्य सरकार के अंडर में पुलिस नहीं होती है, राज्य सरकार के अंडर में एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होता, लेकिन कोर्ट नहीं, राज्य सरकार तो कोर्ट, हम कब कह रहे हैं कोर्ट होता है? कोर्ट के लिए कानून तो राज्य सरकार बनाती है ना। कोर्ट कितने होंगे? मान लीजिए 1000 नए कोर्ट बनाने हैं, हम बनाएंगे क्यों? क्योंकि हमारी नीयत साफ है। वो क्यों नहीं बनाते? वो इसलिए नहीं बनाते क्योंकि उनके अपराधी जो अंदर बैठे हैं उन्हीं को कोर्ट बनाने हैं, वो अगर कोर्ट बना दे तो ये आधे से ज्यादा नेता जेल चले जाएं, इसलिए वो बनाते नहीं है। मतलब हमारा कोई अपराधी नहीं है, हमारा कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है जी। हम जाते ही अंदर बना देंगे और वो अपराधी। आप जिस दिन आपकी सरकार बनेगी अगले दिन आप कोर्ट बनेंगे? नहीं, ऐसे पॉसिबल नहीं है। नहीं है, मैं तो कह ही रहा हूँ, ये तो आप जबरदस्ती कह रहे हैं। नहीं, मैं जबरदस्ती नहीं। महीना लग सकता है, 2 महीने लग सकते हैं, लोकपाल बिल भी पास होगा। नहीं, साल तो नहीं लगेगा लोकपाल बिल तो। ये बात की बात है।